हाय ब्रदर्स, कैसे हो दोस्तों? दरअसल मुझे मतलब कुछ खास जो डेट्स होते हैं वो याद नहीं रहता अक्सर, तो आज एक दोस्त ने टेक्स्ट किया, मैसेज किया, तो रियलाइज़ हुआ कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो एक मैसेज तो बनता है। और मैसेज कुछ खास ज़्यादा नहीं, मतलब वही कि मेरे सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और मेरे जितने भी मतलब खास दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल के दोस्त हैं, आप सभी से बढ़ के कोई गिफ्ट मेरे इस लाइफ में नहीं है, ये कहना चाहूँगा। और ये जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं शायद कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि दोस्ती से बढ़कर मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। जब जब आप सब साथ होते हो तो कुछ भी ना होते हुए मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। और बाकी जो व्यूअर्स है, अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करें तो इस लाइफ में अभी तक मैंने लिटरली कुछ भी नहीं कमाया है, कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे दोस्त कमाए हैं, मैंने दोस्ती कमाया है, ऐसे दोस्त कमाए हैं मतलब एक से बढ़कर एक, और सभी गोल्डन हर्ट्स वाले हैं। मुझे पता है सब अलग अलग तरह से मुझे परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, मुझे हंसाते हैं, मस्ती करते हैं, और मैं भी उन्हें इरिटेट करता हूँ, हंसाता हूँ, फिर हम सब मिलके मस्ती करते हैं। लेकिन मतलब इन सब चीज़ों में एक तो भाई मतलब ये कहना बनता है कि दोस्तों आप सब नहीं होते ना तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। मेरे सिर्फ दोस्तों की वजह से मैं अभी तक शायद हंस बोल के अच्छी तरीके से रहता हूँ, और मतलब मेरा पॉजिटिविटी जो एक है मेरे अंदर आप सब दोस्तों के वजह से हुई है। कई सारे दोस्त हैं मेरे मतलब जिनका शादी हो गया, जिनका नौकरी हो गया, और कई सारे हैं मेरे जैसे वेल्ला घूम रहे अभी तक ऐसे ही तो सभी को यही बोलना चाहूँगा कि बेशक पहले जैसे हम एक साथ हमेशा साथ नहीं घूमते हैं, मस्ती यहाँ वहाँ मटर गस्ती नहीं करते, फिर भी आई ऑलवेज मिस यू ऑल, सबको मिस करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि किसी को भी भूला हूँ, एक एक दोस्त मुझे याद है और मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आप सब इस लाइफ में सबसे ज़्यादा कीमती आफ्टर फैमिली आप ही हो। इन सब के सामने हम लोग की प्यार की भाषा होती है, हम लोग एक दूसरे को कुत्ता, कमीना, साला ये सब कह के पुकारते हैं, ये मतलब हम लोगों का प्यार का भाषा होता है। और ये कमीना ऐसा होता है कि ये लोग कभी वादा नहीं करते नहीं छोड़ के जाने का, लेकिन हमेशा हर मतलब अच्छे बुरे वक्त में ये लोग कहीं ना कहीं से टपक जाते हैं कमीने, और जितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो ये लोग मिल के हंसा ही देते हैं और फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और मेरा दोस्ती तो ऐसा है कि 9-10 साल से लेके 17-18 साल पुराना दोस्ती भी मेरा अभी तक जिंदा है, और मेरे मरते दम तक, हम लोगों के मरते दम तक ये कायम रहेगा। मुझे ये मतलब यही एक विश रहता है कि कभी हमारी दोस्ती ना टूटे, और अब तक नहीं टूटा तो हम टूटने भी नहीं देंगे, इतने नेगेटिव माइंडेड भी हम लोग तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही नहीं, हम लोगों के पास मतलब किसी के पास भी कुछ भी नहीं, सबका जेब मतलब खाली है, फिर भी सबका दिल मतलब गोल्डन हार्ट है, सोना का दिल है, मुझे पता है। और हाँ कमीनो, थोड़ा जो ये लिटिल 1122 चल रहा है ना, थोड़ा कम करो, थोड़ा गुर्दा उर्दा को भी रेस्ट दो, और थोड़ा छिचोरापन इशकबाजी थोड़ा कम करो। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो आप सभी को फ्रेंडशिप डे विश करने के लिए था, और मेरे खास सभी दोस्तों को जो मतलब अभी कहीं पे भी हो, जिसे जो टाउन में है, आलो में है, और कहीं बाहर में है, जिन जिनको नहीं मिल पा रहा हूँ, सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सबको मैं मिस करता हूँ, और हमारे बीते मस्ती भरे दिन को भी हमेशा मिस करता हूँ, और हम सब कभी ना कभी तो फिर से मिलेंगे ही, जल्दी मिलेंगे, और मिलते भी रहते हैं कुछ कुछ से। बस ये दोस्ती, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर नीचे तो होता रहता है, कोई बात नहीं। और हाँ, इस बीच में मेरे तरफ से अभी तक इन 15-16 सालों में या 8-9 सालों में कभी भी ऐसा मैंने फील कराया हो कि ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, ये कमीना क्या बोल दिया, तो गाइज फ्रेंड्स माफ़ कर देना, सॉरी इंटेंशनली नहीं करता हूँ, लव यू ब्रदर्स।